स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, बैंकों के लिए धन की उपलब्धता बढ़ाना। बी, ऑपरेटिंग बैंक दरें निर्धारित करने के लिए। सी, उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करना। डी, बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए। आंसर डी, बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए। एक्सप्लेनेशन, रेपो शब्द रिपर्चेजिंग ऑप्शन या रिपर्चेजिंग एग्रीमेंट से बना है। रेपो दर उस ब्याज दर को दर्शाती है जिस पर कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी और बॉन्ड को गिरवी रखकर RBI से पैसे उधार लेते हैं। वर्तमान में RBI ने इस दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। ये दर RBI के मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके इस्तेमाल कर RBI देश में कैश फ्लो और मुद्रास्फीति यानी महंगाई को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ए कृषि, बी पत्रकारिता, सी चिकित्सा, डी अभिनय। आंसर ए कृषि। एक्सप्लेनेशन, केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्रियों PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की है। भारत रत्न MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत सरकार में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए लंदन, बी दुबई, सी पेरिस, डी नई दिल्ली। आंसर बी दुबई। एक्सप्लेनेशन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में 12-14 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 25 से अधिक देशों के प्रमुख या प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस वर्ष भारत, तुर्की और कतर को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत की ओर से PM मोदी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इस वर्ष का थीम भविष्य की सरकारों को आकार देना है। अगला प्रश्न, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? ए मोहम्मद हामिद अंसारी, बी अमिताभ कांत, सी रामनाथ कोविंद, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। आंसर सी रामनाथ कोविंद। एक्सप्लेनेशन, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले RPI और आम आदमी पार्टी आप के सदस्यों के साथ एक परामर्श बैठक की। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ए सृजन पोर्टल, बी सारथी पोर्टल, सी रक्षक पोर्टल, डी साथी पोर्टल। आंसर बी सारथी पोर्टल। एक्सप्लेनेशन, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447 भी लॉन्च किया गया।